रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चीज़ पराठा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी डिलीशियस बनता है ये पराठा। ये देखिए इस तरह से, इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की चीज़ पराठे की ये रेसिपी। चीज़ पराठा बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको छान लिया है। आधा कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें ये मैदा डाल देंगे, गेहूं का आटा भी डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से हम इसका सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखिए इसे रखे हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है। देखिए वर्किंग सरफेस पे डाल के हम थोड़ा सा इसको और हाथ से अच्छे तरीके से मसल मसल के इसको चिकना कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। देखिए अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। हाथों से तोड़ के हम जितने इसके पेड़े बनेंगे हम उतने बना लेंगे। देखिए पेड़े बनाने के बाद इसे हम 4 से 5 मिनट तक के लिए फिर से ढक के रख देंगे। पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा सूखे आटे में इस तरह से डिप करके, हम इस तरह से जिस तरह से हम रोटी के लिए बनाते हैं ना ये, तो इस तरह से हमें इसको कर लेना है। हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके इसको बेल लेंगे और इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स हमें इतना पतला इसको रखना है, देखिए देख सकते हैं आप। देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर का यूज़ करूँगी, यानी इस पर हम थोड़ा थोड़ा बटर फैला देंगे। आप चाहे तो मैगरीन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब इसके किनारों को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इधर से भी कर देंगे इस तरह से। देखिए अब इसमें हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। देखिए अब इधर से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसको हम इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से इसके कोने जो हैं वो दबा देंगे अच्छी तरीके से, ताकि पराठा जो है वो खुलने ना पाए। इधर से भी इस तरह से इसको दबा देंगे। इस तरह से हम इसको फिर से इस तरह से करेंगे और इसको भी हम दबा देंगे इस तरह से। इसके भी हम ये कोने इस तरह से दबा देंगे ताकि पराठा अच्छे से सील हो जाए, ये खुले नहीं जब हम इसको तलेंगे तो। देखिए मीडियम फ्लेम पे हमने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसको इस तरह से फैला देंगे और इस पर ये पराठा हम रख देंगे इस तरह से। हमें मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना है क्योंकि ये बहुत पतला है। अगर हम ज़्यादा गैस तेज़ रखेंगे तो ये नीचे से जल सकता है। और देखिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। देखिए इसको हम पलट देंगे। इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम इसको सेक लेंगे अच्छे से। देखिए इसको बहुत कम टाइम लगता है सेकने में और इसी बीच इसमें चीज भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। देखिए पराठा हमारा सिक चुका है। इसको हम इस तरह से टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे
सेम तरह से हम दूसरे पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए हमारे चीज़ पराठे बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। ओके, टेक केयर।